हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आशा है आप सब ठीक होंगे. नाउ वेलकम टू रश्मि सिंह क्लास. आज का टॉपिक है वाटर. एवरीबडी नोज दैट आवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. वन इज एटमॉस्फेयर एंड सेकेंड इज वाटर. दैट्स वाई आवर अर्थ इज कॉल्ड अ वाटरी प्लैनेट. 3/4 पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर. नाउ this is earth and this is water. 3/4 portion of the earth is covered by water. इसीलिए हमारी अर्थ को वॉटरी प्लैनेट बोला जाता है. और अगर स्पेस से इसको देखते हैं तो ये वॉटर जो है ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है. तो अर्थ इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लू प्लैनेट ऑल्सो. क्लियर? Means 3/4 portion is covered by water, but this water is not fit for human consumption because of its salinity. क्योंकि ये जो है समुद्र का पानी है और ये खारा होता है, ये human consumption के लिए नहीं है. एक बहुत पुरानी आपने एक कविता सुनी होगी, water water everywhere and not a drop to drink. चारों तरफ अथाह पानी है, खूब पानी है, बट एक भी बूंद पीने के लिए नहीं है. बिकॉज दिस वाटर इज नॉट यूज और फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. क्लियर? इतना सब कुछ होते हुए भी हमारा जो वाटर है 97% सलाइन वाटर, मीन्स कवर्ड बाय ओशियन. 97 जो अर्थ का टोटल वाटर है, 97% इज कवर्ड बाय ओशियन. Only 3% fresh water is available. अब 3% में से भी 2% water is under the snow and glaciers. वो हमारे glaciers और snow में ढके रहते हैं. Only the 1% water is fresh water. तो ये देखिए, how precious is the water for us. वॉटर हमारे लिए कितना प्रीशियस है. दैट्स वाई इट्स आवर मॉरल ड्यूटी टू कंजर्व द वॉटर. हमको अपने वॉटर को कंजर्व करके रखना चाहिए. कंजर्व करने की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, अभी मैं आपसे ही पूछूंगी और आप ही मुझे बताएंगे कि हम वॉटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं. एंड द वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी कैन नॉट इंक्रीज द वॉटर. वाटर को हम इंक्रीज नहीं कर सकते. जितना वाटर कंटेंट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ उतना ही है बहुत सदियों से. वी कैन नॉट इंक्रीज द कंटेंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. केवल वी कैन द वाटर कैन चेंज देयर स्टेट. अपना है तो गैसीय स्टेट में हो जाएगा, वाटरी स्टेट में हो जाएगा या सॉलिड स्टेट में हो जाएगा. तो वो कैसे पता करेंगे हम? थ्रू वाटर साइकिल. दिस इज अ वाटर साइकिल. आपने पढ़ी होगी लेकिन एक बार हम दोबारा कर लेते हैं. दिस इज अ वाटर बॉडी. ओशंस जो होती हैं, बिकॉज ऑफ रेज ऑफ द सन द वाटर एवोपरेट्स एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, मीन्स गैसियस फॉर्म में होता है. वाटर ने अपना स्टेट चेंज कर लिया, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, अब ये गैसियस फॉर्म में आ गया. एंड व्हेन दिस एवोपरेशन एंटर द एटमॉस्फेयर and through the process of condensation the water vapor again changes into the tiny droplets of water. वहाँ पे आके वो दोबारा कैसे हो जाते हैं? पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटी 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 बूंदें हो जाती है. और जब तक हमारा एटमोसफियर उनको होल्ड करके रखता है, ठीक है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद इट्स इम्पॉसिबल टू होल्ड द वॉटर बाय द एटमोसफियर. Then this water comes to the earth in the form of precipitation. फिर ये बरसात के रूप में हमारे precipitation के रूप में हमारे अर्थ पे दोबारा आ जाता है and again goes into the water bodies. And this is known as water cycle. Means इसमें हमें क्या पता चला? Water अपनी position, अपनी state change कर लेता है gaseous, gaseous से water and water comes to the earth. क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, ये तो हो गया वाटर. एंड वाटर इज प्रीशियस फॉर अस बिकॉज ओनली 1% फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. तो हम कैसे कंजर्व करेंगे?
फर्स्ट नंबर, मेंटेन योर पाइप्स एंड टैप्स कि कहीं उसमें लीकेज तो नहीं हो रही, ठीक है। एंड जब भी हम वाटरिंग के लिए जाएंगे प्लांट्स में तो वी कैन यूज द बकेट, बकेट यूज करेंगे, पाइप से पानी नहीं डालेंगे। एंड सब्जी वगैरह जो हम धोते हैं उसका पानी अगेन वी कैन यूज फॉर वाटरिंग द प्लांट्स, समझ में आया आपको। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये हम यूज कर सकते हैं। एंड व्हेनेवर ऑलवेज टर्न ऑफ द टैप्स, जब हम यूज नहीं कर रहे हैं तो नल को बंद कर देंगे। ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से एज अ स्टूडेंट वी कैन कंजर्व द वाटर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारे घर में गेस्ट आते हैं ना, हम पूरा की पूरा गिलास भर के उनके सामने ले जाते हैं, वो दो घूंट पीते हैं और छोड़ देते हैं, वो पानी वेस्ट करना पड़ता है हमें, झूठा पानी हम पौधों में भी नहीं डाल सकते। तो बेटर हम बॉटल लेके जाएं और गिलास लेके जाएं, जितना उनको यूज करना है पीना है उतना पानी लेंगे। इन दिस वे वी कैन कंजर्व द वाटर, क्लियर। तो एज ए स्टूडेंट वी कैन कंजर्व द वाटर लाइक दिस। नाउ सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर, हमारा जो ओशन है वहां पे वाटर कैसे सर्कुलेट होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। तो देयर आर थ्री वेज ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ वाटर, वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करेंट्स, ठीक है। इस पार्ट में हम सिर्फ वेव्स पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में, टाइड्स और ओशियन विल कवर इन सेकेंड पार्ट। तो वॉट आर वेव्स, वेन सरफेस ऑफ द ओशियन वॉटर राइज एंड फॉल, ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर ओशियन, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज वेव्स बिकॉज इट डेवलप ओनली ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन। सर्फेस जो ओशन की सर्फेस है ऊपर, वहीं पे सिर्फ ये डेवलप होती है वेव्स, ठीक है। वेन सर्फेस ऑफ द ओशन राइज एंड फॉल, राइज फॉल राइज फॉल, दिस इज नोन एज वेव्स, क्लियर। कॉज बाय द एक्शन ऑफ द विंड, ये किस वजह से होती है, एक्शन ऑफ द विंड, जहां से हवा चलती है यहां से हवा आ रही है तो इसी डायरेक्शन में हमारी वेव्स डेवलप होंगी। अगर उधर से हवा आ रही है तो हमारी वेव्स की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हवा ब्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में हमारी वेव्स डेवलप होंगी। वेव्स ट्रेवल इन अ डायरेक्शन ऑफ द विंड, अभी मैंने आपको बताया जिस विंड में, जिस डायरेक्शन में विंड चलती है उसी डायरेक्शन में हमारी वेव्स भी ट्रेवल करती हैं, ठीक है। वेव्स डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द विंड, और स्पीड कैसी है विंड की, अगर स्पीड बहुत तेज है तो हमारी वेव्स की स्पीड भी बहुत तेज होगी, और वेव्स जेंटल है तो हमारी वेव्स की स्पीड धीरे 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 धीरे, क्लियर, समझ में आया सबको। एंड वेव्स डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द विंड, लाइट ब्रीज जेंटल वेव्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स जाइंट वेव्स, एंड दिस जाइंट वेव्स इज नोन एज सुनामी ऑल्सो। जो जाइंट वेव्स होती हैं वो सुनामी कहलाती हैं, और ये जाइंट वेव्स किस कारण से होती है, या तो वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थवेक या लैंडस्लाइड अंडर द ओशन, उसकी वजह से हमारी ये जाइंट वेव्स डेवलप होती हैं। नाउ क्लियर, वॉट आर वेव्स, वेव्स आर द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन इज नोन एज वेव्स, एंड इट डिपेंड्स ऑन द विंड, डायरेक्शन ऑफ द विंड, क्लियर। अब हम एक पढ़ेंगे केस स्टडी ऑफ सुनामी, सुनामी की एक केस स्टडी पढ़ेंगे। ऑन 26 दिसंबर 2004 डेडली सुनामी, ठीक है, इंडियन ओशन में हमारी सुनामी वेव्स आई थी ड्यू टू द अर्थवेक, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि अर्थवेक, वॉल्केनिक इरप्शन एंड लैंडस्लाइड, तो ये सुनामी किसकी वजह से आई थी, अर्थवेक, और अर्थवेक को जो नापा गया तो वो 9 रिक्टर स्केल मीन्स अगर 6 से ऊपर रिक्टर स्केल होता है तो बड़ी डेंजरस होती है, उसमें बड़ा लॉस होता है जान माल का, तो इसलिए बहुत डेंजरस थी, ठीक है। अफेक्टेड एरियाज कौन से थे, इंडिया, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया, थाईलैंड, दीज आर द एरियाज विच वर अफेक्टेड बाय दिस सुनामी विच डेवलप्ड ऑन 26 दिसंबर 2004, क्लियर। वेव्स हाइट कितनी थी, नाउ ध्यान से सुनिएगा, वेव हाइट
20 meters high, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ द 800 किलोमीटर पर आवर. सो डेंजरस मीन्स 20 मीटर्स हाई और स्पीड थी 800 किलोमीटर पर आवर. एंड वेव्स ट्रेवल्ड अप टू 3 किलोमीटर डेप्थ, मीन्स कोस्टल एरिया में 3 किलोमीटर अंदर डेप्थ में चली गई थी, समझ में आया, फ्रॉम कोस्ट एंड किल्ड मोर देन 10,000 पीपल. और बहुत सारे घर खत्म हो गए, लोग लापता हो गए, इतने लोग तो मर गए और कुछ लोग मिसिंग है, पता ही नहीं चल पाया वो कहाँ बह के चले गए, उनकी डेड बॉडी तक नहीं मिली, क्लियर. और उसके बाद 6-7 महीने तक वहाँ पे बीमारियों का घर रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर सिल्ट मड, इन सब की वजह से. समझ में आया कि सुनामी कैसे डेवलप होती है, बिकॉज ऑफ 3 रीजंस अभी जो मैंने आपको बताया. तो बेटा इस वाले फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, आशा है आपको समझ में आ गया होगा. एक बार दोबारा हम सम अप कर लेते हैं. सबसे पहले क्या है, वाटर जो हमारा टॉपिक है, व्हाई वाटर इज सो प्रीशियस. वाटर इज प्रीशियस बिकॉज ओनली 1% वाटर इज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. दैट्स व्हाई इट्स अवर मॉरल ड्यूटी टू कंजर्व द वाटर. आपने सौराष्ट्र, अमरेली और राजकोट के बारे में जरूर पता होगा, वहाँ पे वाटर मार्केट है, मीन्स वहाँ के जो लोग हैं वो अपने डेली यूज़ के लिए भी पानी खरीदते हैं और आसपास के तालुकात से पानी वहाँ पे सप्लाई किया जाता है, क्योंकि बहुत स्कार्सिटी वाटर है, मतलब वहाँ पे इतना कमी है कि लोग पीने के लिए भी और डेली रूटीन के लिए भी पानी खरीदते हैं. और अगर अब हम कंजर्व नहीं करेंगे वाटर को, तो आपको मैं बता दूँ 2030 तक हमारी स्थिति भी अमरेली की तरह हो जाएगी, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर हमारा लेवल बहुत डाउन हो गया है. तो दिस इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू कंजर्व द वाटर एंड वी कैन नॉट इंक्रीज द कंटेंट ऑफ वाटर. केवल उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, सॉलिड, लिक्विड और वाटर वेपर. दिस इज द वाटर साइकिल. अभी मैंने आपको बताया किस तरह वाटर एवोपरेट होता है, कंडेंसेशन एंड आफ्टर दैट प्रेसिपिटेशन एंड अगेन कम टू द अर्थ ऑन इन द फॉर्म ऑफ रेन. And the circulation of ocean water, 3 types of circulation. Number 1, waves, tides and ocean currents. So what are waves? Waves are the up and down movement on the surface of the ocean water. And it depend on the direction of the wind. Direction wind ki jo hogi, usi direction mein humari waves move karengi. And waves travel in the direction of the wind. Aur jis direction mein wind blow karegi, usi direction mein हमारी वेव्स ट्रैवल करेंगे, ठीक है. लाइट ब्रीज, जेंटल वेव्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स, सुनामी, जाइंट वेव्स. अब सुनामी किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ 3 रीजन, वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थवेक एंड लैंडस्लाइड इन द ओशंस, ठीक. और ये आपको मैंने बताया सुनामी केस स्टडी, ठीक है, जो हमारे इंडियन ओशन में आया था ऑन 26 दिसंबर 2004. And these are the areas which were affected by this tsunami: India, Sri Lanka, Indonesia and Thailand. And the wave height is 20 meters and the speed is 800 kilometers. Bahut jyada dangerous. And waves travel up to 3 kilometer depth from coast. 3 kilometer andar jaake usne nuksan kiya tha. And it killed more than 10,000 people. And pata nahi kitne log missing hue aur ghar bar tabah ho gaye. Clear? Samajh mein aaya hai bache? तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, बट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.